नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज से। बिहार कैबिनेट के बैठक में लगे 7 एजेंडों पर मुहर। अब बिहार बोर्ड की इंटर व मैट्रिक परीक्षा में ऐप से होगी मॉनिटरिंग। बिहार में बढ़ी कनकनी, शीतलहर और ठंडी हवाओं ने लोगों को कंपाया। श्रीलंका सीरीज से पहले रोहित शर्मा ने दिया अपनी फिटनेस पर अपडेट। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज से। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 68 निकायों पर होने वाली वोटिंग को लेकर आज से मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं वोटिंग की मतगणना 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे चरण के लिए मैदान में 23 जिलों के कुल 11,884 प्रत्याशी हैं, जिनके भाग्य का फैसला 61,94,826 मतदाता के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वहीं कोरोना को देखते हुए मतदान के दौरान कुछ नियम भी लागू किए गए हैं, जिसके तहत मतदाता और मतदान कर्मियों को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार कैबिनेट के बैठक में लगे 7 एजेंडों पर मुहर। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में कुल 7 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें सरकार अपने सरकारी कामों के लिए एक हेलीकॉप्टर और एक जीत मशीन खरीदी जाएगी जिसमें सरकार अपने सरकारी कामों के लिए एक हेलीकॉप्टर खरीदेगी, जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 1674 नए पदों का सृजन की जाएगी, जिसमें 670 पद लिपिक, 462 उच्च वर्गीय लिपिक, 161 पद प्रधान लिपिक और 47 पदों कार्यालय अधीक्षक के होंगे। वहीं कैमूर और मुजफ्फरपुर में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई है। इस बात की जानकारी बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिव विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ के द्वारा दी गई है। बीएसएससी की दूसरी पाली की परीक्षा भी हो सकती है रद्द। शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक की पहली पाली की परीक्षा रद्द होने के बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी दूसरी पाली की परीक्षा भी रद्द हो सकती है। बता दें कि इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि दूसरी पाली में हुई परीक्षा का भी जांच किया जाएगा। इस मामले में जिस किसी का भी हाथ है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं अगर जांच के बाद आरोप सच साबित होता है तो दूसरी पाली की भी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, बड़ी छोटी सभी मछलियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। समाहरणालय अरवल ने 11 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई के लिए समाहरणालय अरवल ने मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, नर्स, पार्ट टाइम डॉक्टर, फीमेल आया और चौकीदार के कुल मिलाकर 11 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ ऑफ बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन काउंसलिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट में डिप्लोमा या नर्सिंग में इंटरमीडिएट डिप्लोमा या MBBS डिग्री पास होना चाहिए। इसके अलावा आया और चौकीदार पद के लिए केवल साक्षर होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑफलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट arwal.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रामचतुर मल्लिक के बारे में। पंडित रामचतुर मल्लिक भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद धमार शैली के प्रसिद्ध गायक थे। मल्लिक जी ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और मैथिली लोक गीतों के अनुपम गायक थे। 1939 में उन्हें आकाशवाणी के प्रथम श्रेणी के विशिष्ट कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया था। 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें बिहार संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप प्रदान की थी। 1957 में बम्बई के सुर श्रृंगार संसद द्वारा इन्हें मानपत्र और ताम्रपत्र प्रदान किया गया था। 1964 में बिहार के राज्यपाल A.S. अयंगार ने ताम्र पत्र की उपाधि से विभूषित किया और उसी वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 1976 में फ्रांस सरकार ने रामचतुर मल्लिक के ध्रुपद धमार रिकॉर्ड को यूनेस्को प्रसारण के लिए चुना था। मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें तानसेन की उपाधि, बिहार सरकार ने महामहोपाध्याय की उपाधि और खेरागढ़ ने इन्हें D.Lit की उपाधि से सम्मानित किया।
अब बिहार बोर्ड की इंटर व मैट्रिक परीक्षा में ऐप से होगी मॉनिटरिंग, नकल पर लगेगी पाबंदी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब इंटर व मैट्रिक परीक्षा को मॉनिटरिंग ऐप से की जाएगी, जिसमें परीक्षा के दौरान उपस्थिति, अनुपस्थिति एवं निष्कासन संबंधित डाटा को एग्जामिनेशन ऐप के माध्यम से समिति को भेजा जाएगा। इसके लिए कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर उनकी प्रतिनियुक्ति केंद्र पर की जाएगी। बिहार में बनेगी माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा। माता सीता की जन्मस्थली बिहार के पौराणिक तीर्थ सीतामढ़ी में 12 एकड़ भूमि पर अष्ट धातु से बनी माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिसे शक्तिपीठ के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। इसके अलावा माता सीता की प्रतिमा के चारों ओर वृत्ताकार रूप में माता सीता के जीवन दर्शन को दर्शाते हुए 108 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। बता दें कि यह प्रतिमा रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा की जा रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस शक्तिपीठ के निर्माण को लेकर सभी 51 शक्तिपीठ संघ व सारे स्थान जहां माता सीता के चरण पड़े थे वहां से जोत, मिट्टी और जल डालकर शक्तिपीठ की भूमि में मिलाई जाएगी और उसका निर्माण किया जाएगा। बिहार के पर्यटन स्थल में आज हम बात करेंगे मछली तालाब के बारे में। मछली तालाब मुंगेर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जगह है। यह जगह धार्मिक भी है। यहाँ पर आपको शिव मंदिर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर शिव मंदिर एक बड़े से तालाब के बीच में बना हुआ है। यह तालाब चौकोर आकार में है। इस तालाब के बीच में बने शिव मंदिर में आने जाने के लिए पुल बना हुआ है। मंदिर बहुत सुंदर है। मंदिर में शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन में बना हुआ है। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ देखने के लिए मिलती है जो बहुत सुंदर लगती है, इसलिए इस जगह को मछली तालाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ आकर आप बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। यह मुंगेर में घूमने लायक जगह है। अब नमामि गंगे परियोजना में भूगर्भ जल भी होगा साफ। बिहार में अब नमामि गंगे परियोजना के तहत भूगर्भ जल को भी स्वच्छ रखने का काम भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 2 माह पहले बिहार के 78 छोटे शहरों या निकायों का चयन किया गया है। बता दें कि इसमें 20,000 से ऊपर की आबादी वाले कुल 138 शहरी निकाय शामिल है। चयनित किए गए इन 78 छोटे शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण को का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके बाद इन शहरों के नालों के पानी साफ होकर सीधे नदियों या तालाबों में गिराए जाएंगे। इस बार बुडको के एमडी धमेंद्र सिंह का कहना है कि पहले बड़ी आबादी या ज्यादा प्रदूषित शहरों के लिए एसटीपी योजना बनी थी, लेकिन अब जल्द ही 78 शहरों के लिए एजेंसी का चयन का कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पर स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कर दी जाएगी। नए साल पर घूमने के लिए बिहार पर्यटन निगम दे रहा आकर्षक टूर पैकेज। अगर आप भी नए साल पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बिहार पर्यटन निगम के द्वारा नए साल पर घूमने के लिए आकर्षक टूर पैकेज दिया जा रहा है। इसके पहले पैकेज के तहत यात्री पटना से बोधगया डिलक्स बस में 1,580 रुपए, ट्रैवलर बस में 1,650 रुपए, डेकर बस 1,570 रुपए प्रति पर्यटक खर्च करके घूम सकते हैं। दूसरे पैकेज के तहत यात्री पटना, नालंदा, राजगीर, पटना जा सकते हैं। वहीं इसके तीसरे और चौथे पैकेज में पटना, फुलवारी, शरीफ, मनेर, पटना और पटना बराबर, कोटेश्वर धाम, गया, बोध गया, पटना घूमने जा सकते हैं। इस यात्रा के दौरान यात्रियों को सारे पैकेज में पानी और गाइड की भी सुविधा दी जाएगी। बिहार में बढ़ी कनकनी, शीतलहर और ठंडी हवाओं ने लोगों को कपाया। बिहार में सर्दी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शीतलहर की वजह से पूरे राज्य में कनकनी और कपकपी बढ़ गई है। पछुआ हवा के असर से गलन वाली ठंड कनकनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर के अंत तक तापमान में लगातार हो रहा उतार चढ़ाव पूरी तरह स्थिर हो जाएगा। रात के समय तापमान में अचानक से गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में बदल रहे मौसम का सीधा असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। राज्य का न्यूनतम तापमान को 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। फिलहाल मौसम ने जारी उतार चढ़ाव ने कनकनी बढ़ा दी है। रात के समय में तापमान अचानक से गिर जा रहा है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है। नए साल पर जू और नेचर सफारी घूमने का प्लान, तो पहले पढ़ ले यह खबर। अगर आपका भी नए साल के मौके पर नालंदा के टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने का प्लान है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल नए साल के मौके पर राजगीर के कई जगहों को बंद रखा गया है, जिसमें जू सफारी और नेचर सफारी भी शामिल है। इस बात की जानकारी जू सफारी के डायरेक्टर हेमंत पटेल के द्वारा एक लेटर जारी कर दी गई है। हालांकि अब तक इस बात को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि जू सफारी और नेचर सफारी को नए साल के मौके पर क्यों बंद किया गया है, लेकिन यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए ही यह फैसला लिया गया है। बिहार राजस्व विभाग के फील्ड में तैनात कर्मियों को भी अब लगानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी।
बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब फील्ड में तैनात राजस्व कर्मचारी सहित जमीन के बंदोबस्त से जुड़े कर्मचारी पदाधिकारी की उपस्थिति बायोमेट्रिक हाजिरी से ली जाएगी। बता दें कि अब इस विभाग के वे सभी कर्मी जो फील्ड में काम करते हैं उन सभी को R&R सॉफ्टवेयर के जरिए मोबाइल से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके लिए कर्मचारियों की उंगली के निशान को सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। बता दें कि फिलहाल इसका ट्रायल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंगेर में किया जा रहा है। हालांकि अभी इसमें तकनीकी खामी है जिसे दूर करने के लिए भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय NIC के वैज्ञानिकों की मदद ली जा रही है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आज से होगा शुरू। CTET यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की तिथि CBSE के द्वारा जारी कर दी गई है। जारी तिथि के अनुसार इस परीक्षा की शुरुआत 28 दिसंबर यानी कि आज से हो रही है, जो कि जनवरी के दूसरे सप्ताह तक खत्म होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा में देश भर से कुल 32 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार से इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5.67 लाख है। वहीं परीक्षा को लेकर बिहार में 7 जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पटना, आरा, दरभंगा, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल है। बता दें कि यह परीक्षा 2 पाली में ऑनलाइन तरीके से आयोजित की जाएगी। बिहार के इस रूट पर अब चलेगी इलेक्ट्रिक ट्रेनें। यात्री सुविधाओं के उन्नयन एवं परिचालन सुगमता के लिए मूलभूत ढांचे में विस्तार के क्रम में 32 किलोमीटर की हथुआ बथुआ पंचदेवदी रेलखंड पर वाराणसी रेल मंडल की ओर से विद्युतीकरण का कार्य पूरा कराया गया है, जिसके बाद अब इस रेलखंड पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ने वाली है। इसके लिए रेल मंडल के प्रमुख विद्युत इंजीनियर AK शुक्ला द्वारा संरक्षा परीक्षण कर ट्रायल कर लिया गया है और ट्रायल के दौरान सब कुछ सुरक्षित पाया गया। इस बात की जानकारी वाराणसी रेल मंडल जनसंपर्क पदाधिकारी अशोक कुमार के द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही AK शुक्ल के द्वारा रेलवे स्टेशन पर सुविधा बढ़ाने को लेकर भी निर्देश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रेलखंड का निर्माण तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के द्वारा कराया गया था। अब बिहार के एक और शहर से हवाई सेवा होगी शुरू। पटना, गया और दरभंगा के बाद अब देश के हवाई नक्शे पर बिहार का एक और शहर का नाम जुड़ने वाला है। बिहार के एक और शहर में हवाई सेवा शुरू करने को लेकर जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल से मुलाकात की गई। बता दें कि बिहार के और शहर जहां हवाई सेवा शुरू करने की कोशिश की जा रही है वो बिहार का गोपालगंज है। इसके लिए नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा गंभीरता भी दिखाई गई है और सभी एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी गोपालगंज एयरपोर्ट को चालू करने और यहां से हवाई सेवा को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए भाग ले। गोपालगंज से हवाई सेवा शुरू होने से उसके आसपास के जिलों के लोगों को भी काफी सुविधा मिलेगी। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन इनकोवैक की निजी बाजार में इतनी है कीमत। नाक के जरिए दी जाने वाली नोजल वैक्सीन इनकोवैक की कीमत निजी बाजार में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा तय कर दिया गया है। भारत सरकार के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों में इसकी एक डोज की कीमत निजी बाजार में 800 रूपए और सरकारी आपूर्ति के लिए 325 रूपए रखी गई है। इन दामों में GST के दामों को नहीं जोड़ा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह दवा अब कोविन पोर्टल पर उपलब्ध है। वहीं टीका निर्माता कंपनी के द्वारा यह बताया गया है कि यह दवा जनवरी 2023 के चौथे सप्ताह से उपलब्ध की जाएगी। बता दो चले कि यह दवा दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली COVID-19 रोधी दवा है, जिसके 2 खुराक के लिए मंजूरी दी गई है। जल्द से जल्द अपडेट करवाएं अपना आधार कार्ड, वरना नहीं मिलेगा 319 योजनाओं का लाभ। अगर आपने भी अपना आधार कार्ड 10 साल पहले बनवाया है और अब तक अपने एक बार भी उसे अपडेट नहीं करवाया है तो यह खबर आपके लिए है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा वैसे आधार कार्ड को तुरंत अपडेट कराने का निर्देश दिया गया है जिसे 10 साल पहले बनवाया गया था और अगर अपडेट नहीं करवाया गया है, ऐसे आधार नंबर किसी भी सुविधा से लिंक नहीं हो पाते हैं। UDI के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश में कुल 1100 सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम है, जिनमें से केंद्र प्रायोजित 319 योजनाओं में आधार कार्ड से पहचान होती है और अगर आप आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाते हैं तो आप इनमें से किसी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। लालू यादव के CBI जांच पर भड़की रोहिणी आचार्य। इन दिनों लालू यादव की मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही है, एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मिली जानकारी के अनुसार CBI ने फिर से रेलवे से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस मामले की जांच साल 2018 में शुरू हुई थी, लेकिन 2021 में इस मामले में हो रहे जांच की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था। लेकिन इस मामले में लालू यादव और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ CBI ने फिर से जांच करनी शुरू कर दी है। इस मामले की खबर जैसे ही रोहिणी आचार्य तक पहुंची वे इससे सुनकर भड़क गई और उन्होंने इस बात पर ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि ये सब बीजेपी की लालू जी के खिलाफ राजनीतिक योजना है ताकि उनकी लोकप्रियता कम की जाए।
जदयू विधायक गोपाल मंडल का वारंटी बेटा गिरफ्तार। बीते दिन मंगलवार को पुलिस के द्वारा भागलपुर के बरारी गोलीकांड मामले में विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल क्रिसमस के दौरान रेस्टोरेंट में आयोजित एक कार्यक्रम में खुले मंच से अपनी मेयर प्रत्याशी मां के लिए वोट की मांग की थी और कहा था कि वो विधायक का बेटा है और उसे किसी का डर नहीं है। जिस प्रकार मेरे पिता किसी से नहीं डरते थे, वैसे ही मैं भी किसी से नहीं डरता। जबकि आशीष के खिलाफ वारंट जारी था और पुलिस उसकी तलाशी कर रही थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद आशीष को कोर्ट के स्टेशन हाजत लाकर एसपी के द्वारा पूछताछ किया गया। श्रीलंका सीरीज से पहले रोहित शर्मा ने दिया अपनी फिटनेस पर अपडेट। टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा को बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे दूसरे वनडे मैच में अंगूठे में चोट लग गई थी, जिस वजह से वह बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे और आखिरी वनडे और पूरे टेस्ट सीरीज में भाग नहीं ले पाए थे। लेकिन हाल ही में रोहित ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट शेयर करते हुए अपनी फिटनेस को लेकर अपडेट दिया है। इस पोस्ट की पहली तस्वीर में रोहित शर्मा मैदान में दौड़ लगाते दिख रहे हैं, तो वही दूसरी तस्वीर में वो कैच पकड़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी की 1885 में स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। कोलकाता में 1928 में पहली बार बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव प्रदर्शित हुई। भारत के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने 1983 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मद्रास टेस्ट में अपना 30वां शतक जड़कर महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा था। राजीव गांधी के नेतृत्व में 1984 में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जीत मिली। भारतीय डाक विभाग द्वारा 2000 में वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में 5 डाक टिकटों के सेट में 3 रुपए का एक सचित्र डाक टिकट जारी किया गया। आम आदमी पार्टी ने 2013 में दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति धीरू भाई अंबानी का जन्म 1932 में हुआ। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ। भारतीय राजनेता अरुण जेटली का जन्म 1952 में हुआ। रामायण प्रवक्ता आचार्य पंडित पुनित द्विवेदी का जन्म 1991 में हुआ। हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत का 1977 में निधन हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे केवाईसी निलंबित के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे केवाईसी निलंबित के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि बीएसएनएल से यह दावा करने वाला नोटिस प्राप्त हुआ है। ग्राहकों को केवाईसी निलंबित कर दिया जाएगा, सिम कार्ड 24 घंटे के भीतर ब्लॉक हो जाएंगे। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ये दावे फर्जी है। बीएसएनएल कभी भी ऐसा कोई नोटिस नहीं भेजता है। अपना व्यक्तिगत और बैंक विवरण कभी भी किसी के साथ साझा न करें। YouTube भारतीयों के लिए ला रहा है नया फीचर। Google का वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube अपनी कुछ जरूरी अपडेट की टेस्टिंग कर रही है। बता दें कि YouTube क्विक नामक एक फीचर का परीक्षण कर रहा है, जो यूजर्स को लिस्ट में कोई भी वीडियो जोड़ने उस क्रम को एडिट करने का अनुमति देता है जिसमें वीडियो चलाए जाते हैं। इसके अलावा आप इस लिस्ट से किसी वीडियो को हटा भी सकते हैं। यह फीचर एक्सपेरिमेंटल फीचर्स का एक हिस्सा है, जिसकी टेस्टिंग YouTube प्रीमियम कस्टमर्स द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग करने के लिए यूजर्स किसी भी वीडियो आइटम के आगे 3 डॉट मेनू पर क्लिक कर सकते हैं। अब प्ले लास्ट इन क्यों चुने, इसके बाद एक क्वी बनाई जाएगी और यह पेज के नीचे एक्सेस की जाएगी। क्वी पैनल पर यूजर उस सीक्वेंस की रीअरेंज करने के लिए ड्रैग्स कर सकते हैं जिसमें वीडियो चलाए जाएंगे। इसके अलावा आप क्वी से किसी वीडियो को भी रिमूव भी कर सकते हैं। आप क्वी में जितने चाहे उतने वीडियो जोड़ सकते हैं और यूजर्स इस फीचर को 28 जनवरी तक टेस्ट कर सकते हैं। गया जंक्शन पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। बिहार का गया जिला धार्मिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से सबसे जरूरी है, इसलिए जंक्शन के विश्वस्तरीय बनाने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का पुनर्विकास कार्य शुरू किया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए रेलवे स्टेशन के माल गोदाम एरिया में डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है। आरक्षण काउंटर बनाने का काम डेल्हा साइड में शुरू भी हो गया है। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले नए वर्ष में रेल यात्रियों को टिकट काउंटर के साथ साथ आरक्षण काउंटर की भी सुविधा मिलेगी। कहा जा रहा है कि इस पुनर्विकास से जुड़े काम खत्म हो जाने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमन कुमार यादव, रुपेश कुमार, अजीमा फिरदौस, उमेश ऋषिदेव, कुश कुमार यादव, नन्नू गोलू कुमार, विशाल कुमार पासवान, दुर्गा कुमार, श्रावण सिंह राजपूत, अमरेश कुमार रॉय, रविशंकर, कमलेश शर्मा, पंकज कुमार दास, अमन कुमार महतो। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
आपके अनुसार कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करवाने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।